अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, बीए इंग्लिश थर्ड ईयर, पोएम नंबर 22, स्नेक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं इसको। एक्चुअली हुआ ये है कि एक जो सांप है वो शायर के घर में उसके वाटर ट्रॉफ के ऊपर पानी पीने के लिए आया है, और शायर जो है वो उसको देखकर खुश हुआ है और बड़ी इज्जत अफजाई जो है वो महसूस कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसकी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है वो उसको इन्फॉर्म करती है कि ये बड़ा डेडली स्नेक है, इसको मार दो। तो वो उससे मजबूर होकर उसको मारता है, तो वो सांप जो है वो वापस अपने जो होल है उसके अंदर चला जाता है। तो उसके बाद जो शायर है वो रिमोर्स करना, पछताना शुरू कर देता है। तो वो फिर स्नेक को मुख्तलिफ चीज़ों से कंपेयर करता है, एल्बाट्रॉस से कंपेयर करता है, वो उसको किंग से कंपेयर करता है, किंग का दर्जा देता है, ठीक है। वो उसको गॉड तक कह देता है कि ये मेरे लिए एक देवता था, एक गॉड था। तो ये उसके जो रिएक्शंस हैं ये पूरी पोएम के अंदर जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट आपने भी इसकी जो चेंजेस रिलेशनशिप, चेंजिंग रिलेशनशिप विद स्नेक है ना, उसके उसको आपने फोकस रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पोएम जो है। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ, वाटर ट्रॉफ यानी पानी वाला हौज। एक सांप जो है वो मेरे पानी वाले हौज पे पानी पीने के लिए आया। ऑन अ हॉट हॉट डे, और बहुत गर्म दिन था। एंड आई इन पजामाज फॉर द हीट, और शायर कहता है कि मैंने गर्मी की वजह से पजामा पहना हुआ था। टू ड्रिंक देर, अब शायर भी वहाँ पे वाटर ट्रफ के ऊपर पानी पीने आया, और वहाँ पे सांप भी पानी पीने के लिए आया हुआ था। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड, स्ट्रेंज अजीबोगरीब सेंटेड खुशबू, शेड साया ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, यानी घना जो कैरब का दरख्त है उसके नीचे पानी वाला हौज था, वाटर ट्रफ था, वहाँ पे ये पानी पीने के लिए आया था। और वो जो साया था वो खुशबूदार था, मतलब कैरब ट्री जो है इसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं, जो फूल लगते हैं, या इसके ऊपर जो फल लगते हैं, उससे खुशबू जो है वो उमड़ आती है, खुशबू जो है वो खुशबू छोड़ती है। अच्छा, अब कैरब का मतलब क्या है जी? कैरब CARROB, कैरब, ठीक है ना, अ काइंड ऑफ ट्री। इसको मेडिटेरेनियन ट्री जो है वो कहते हैं, और ये इटली के अंदर, और इटली में सिसली के अंदर ये जो है ये पाया जाता है। आई केम डाउन द स्टेप्स, मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया, विद माई पिचर। पिचर का मतलब क्या है? वाटर पॉट, PITCHER, पिचर, वाटर पॉट। मैंने वो पानी वाला बर्तन पकड़ा हुआ था और सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया। एंड मस्ट वेट, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मस्ट स्टैंड रुकना चाहिए, एंड वेट और ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, फॉर क्योंकि, देर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि मेरे से पहले सांप वहाँ पे मौजूद था। द स्नेक वॉज फर्स्ट कमर, द बर्ड वॉज सेकेंड कमर। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर, फिशर FISURE, फिशर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रैक, ये जो दराड़ पड़ जाती है, ठीक है, या इसको सुराख भी आप कह सकते हैं। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल, अर्थ वॉल का मतलब है कच्ची मिट्टी से बनी हुई दीवार, उसके अंदर एक फिशर था, एक दराड़ थी, उसमें से ये नीचे उतरा था। इन द ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस। एंड ट्रेल्ड, और इसने खींचा, ड्रैग किया, ट्रेल का मतलब क्या है? ड्रैग किया, हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस, अपनी जो स्याही माइल पीली भूरी, ठीक है ना, स्लैकनेस, सॉफ्ट बेलीड यानी अपने नरमो नाजुक पेट को नीचे की तरफ खींचा, डाउन नीचे की तरफ, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, और ये सिरकता सिरकता ट्रेल करता करता उस पत्थर के बने हुए
जो हौज था उसके पैंडे तक आ गया। एज कहते हैं किनारा, ई डी जी ई, किनारा यानी उसके किनारे तक आ गया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और उस पत्थर के पैंदे पर अपना जो थ्रोट जो गला है वो रख दिया। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, टैप कहते हैं नल को, और उस जगह पे अपना जो गला है मुंह है वो रख दिया जहाँ पे उस नल से पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा था। इन अ स्मॉल क्लियरनेस, कतरा कतरा बन के, ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, और उसने सीधे मुंह के साथ यानी ऊपर मुंह उठाया हुआ था, फुल जो अपना माउथ है उसको खोला हुआ था, उसने पानी को सिप किया। सिप का मतलब होता है घोंट घोंट करके पीना। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, यानी खुले मुंह के साथ उसने आराम से जो है वो पानी पीना शुरू कर दिया। इन टू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, और पानी उसकी जो है वो स्लैक जो स्याही माइल बॉडी है, ठीक है ना, स्लैक का मतलब ब्लैक भी होता है, ब्लैकिश, ब्लैकिश कलर जो होता है ना, ठीक है ना, स्लैक। लेकिन ये ज़्यादा घना नहीं होता, ये बस स्याही माइल होता है। इन टू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, ये आहिस्ता आहिस्ता पानी उसकी जो है वो लंबी जो बॉडी है जो स्याही माइल थी उसके अंदर उतरता जा रहा था। समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ, और कोई एक था मेरे से पहले उस पानी वाले हौज के ऊपर। एंड आई लाइक सेकंड कमर वेटिंग, और मैं बाद में आने वाले के तौर पर इंतज़ार कर रहा था। ही लिफ्टेड हीज हेड फ्राम ड्रिंकिंग, और उसने पानी पीते पीते सांप ने अपना सर जो है वो उठाया, एज कैटल डू, और ऐसे उठाया जैसे मवेशी करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो उसने एक सिमिली यूज़ की है। सिमिली का मैंने जो पहले लेक्चर्स हुए थे काफ़ी दफ़ा मैंने इसको एलेबोरेट किया है। बेसिकली ये कंपैरिजन होता है, जैसे मवेशी पानी पीते पीते अपने सर को उठाते हैं तो सांप ने भी वैसे ही किया। एंड लुक्ड एट मी वेगली, और मेरी तरफ देखा वेगली, गैर वाज़े तौर पर, वेगली वी ए जी यू ई एल वाई, वेगली। अच्छा, वेगली का मतलब क्या है? नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली। और उसने गैर वाज़े तौर पर मेरी तरफ देखा, एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कि पानी पीने वाले मवेशी करते हैं। एंड फ्लिकर्ड, और अंदर बाहर हरकत दी, फ्लिकर्ड। फ्लिकर्ड का मतलब क्या है? एफ एल आई सी के ई आर ई डी, फ्लिकर्ड। ये फ्लिकरिंग होता है, जैसे कैंडल का जो फ्लेम होता है वो भी फ्लिकरिंग करता है, ठीक है। फ्लिकर्ड का मतलब है टू मूव, मूव हेयर एंड देर, ठीक है, लेकिन तेजी से, ठीक है, इन अ फास्ट मोशन, विद अ फास्ट मोशन। और फ्लिकर्ड किया हिज टू फोक्ड, दो शाखों वाली टंग, जबान को, फ्रॉम हिज लिप्स, पानी पी के वो अपने सर को उसने उठाया और अपनी जबान को फ्लिकरिंग किया, यानी उसने इधर उधर जो है वो तेजी से उसको फ्लिकर किया, मूव किया। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, म्यूज्ड का मतलब है थॉट, म्यूज्ड, ठीक है ना, थॉट। अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता, म्यूज जो है ये गॉड है, ठीक है ना, जी ओ डी, गॉड। यानी इस तरह सोचना जिस तरह गॉड जो है वो स्टैचू जो यूनान के अंदर उन्होंने बनाए होते हैं जनाब, वो जैसे बैठे हुए पोस्चर कर रहे होते हैं, जैसे सोच रहे होते हैं, जैसे गहरी सोच में हो। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए उसने सोचा। एंड स्टूप्ड, स्टूप्ड का मतलब होता है लोवर्ड, एस टी डबल ओ पी ई डी, स्टूप्ड, एल ओ डब्ल्यू ई आर ई डी,
lowered, jukai, jukaya, and stooped. Kisko jukaya ji? And yani apne muh ko jukaya. And drank a little more, aur thoda sa aur pani piya. Being earth brown, kyunki wo matti mile bhura tha. Earth golden, matti mile sunahri tha. From the burning balls of the earth, burning balls of the earth, wo zameen ki jalti hui antriyon se nikla tha. Matlab ye hai ke wo zameen ke andruni hisse se, jahan pe temperature bahut zyada tha, wahan se aaya tha. On the day of Sicilian July, aur ye Sicilian July tha, ek July ka mahina ho, upar se Italy ka shahar Sicily, jiski wajah shohrat jo hai, wo hi uski garmi hai. With Etna smoking, aur उस जुलाई के महीने में जो एटना का माउंटेन है वहाँ पे स्मोकिंग यानी कि वहाँ पे जो है वो वॉलकैनो एरप्शन जो है वो होना शुरू हो जाती है यानी एक वॉलकैनो एरप्शन हो रही है लावा फट रहा है धुआं निकल रहा है फिर ऊपर से सिसली का इलाका है जस्ट लाइक सिब्बी और जैकबाबाद इन पाकिस्तान जिस सिब्बी जो है वो भी उसकी वजह शोर जो है वो गर्मी है और जैकबाबाद जो है उसकी भी वजह शोर गर्मी है तो इटली के अंदर जो इलाका है वो है सिसली अच्छा और ऊपर से फिर जुलाई का महीना यानी इतनी ज़्यादा इट वाज टू मच हॉट द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन अब देखें स्टूडेंट जो उसके इनर वॉइसेस हैं जो उसकी एजुकेशन की आवाज़ है जो उसकी लॉजिक है वो उसको क्या कह रही है द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी मेरी तालीम की आवाज़ ने मुझे ये कहा ही मस्ट बी किल्ड कि इसको मार दो फॉर इन सिसली क्योंकि सिसली के अंदर द ब्लैक ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट जो काले सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं इनोसेंट का मतलब यहाँ पे मासूम नहीं लीजिएगा INNOCENT इनोसेंट का मतलब यहाँ पे जो है वो हार्मलेस है हार्मलेस क्योंकि सिसली के अंदर जो काले सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं द गोल्ड और वेनेमस और जो सुनहरी रंग के होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं वो वनेमस होते हैं वी ई एन ओ एम ओ यू एस वनेमस इसका मतलब होता है पॉइजनस क्योंकि सिसली के अंदर काले सांप हार्मलेस होते हैं और जो गोल्ड स्नेक होते हैं वो वनेमस होते हैं यानी कि जहरीले होते हैं एंड वॉइसेज इन मी सेड और मेरे अंदर की आने वाली आवाज़ों में से एक आवाज़ ने ये भी कहा इफ़ यू आर अ मैन मिस्टर पोएट इफ़ यू आर अ बोल्ड पर्सन यू वुड टेक अ स्टिक एक छड़ी पकड़ो एंड ब्रेक हिम नाउ और इस सांप को है कत्ल कर दो मार दो इसको कुचल दो एंड फिनिश हिम ऑफ और इसे हटा दो रस्ते से बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम लेकिन शायर का जो दिल है उसका जो इमोशंस है He is against the voice of education. वो जो education की आवाज़ है उसके मुखालिफ है वो क्या कह रहा है जी But must I confess how I liked him कि मैंने कैसे उसको पसंद करना शुरू कर दिया How glad I was he had come like a guest in quiet और मैं कितना खुश था कि वो चुपके से मेहमान बनकर मेरे घर में आया था To drink at my water trough मेरे पानी वाली हौज से पानी पीने के लिए एंड डिपार्ट और ये चला जाएगा डिपार्ट का मतलब होता है लीव कर जाएगा यहाँ से रुख्सत हो जाएगा पीसफुल अमन से यानी किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा पैसिफाइड ज़रा मुश्किल वर्ड मैं लिख देता हूँ PACIFIED पैसिफाइड का मतलब है सेटिस्फाइड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर क्वेंचिंग द थर्स्ट He would leave this place. वो आराम से चला जाएगा किसी को कुछ नहीं कहेगा And thankless. और शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा Into the burning bowels of this earth. और यहाँ से ये आया था ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से अपने होल से अपने बल से ये आया था और वहीं पर यह चला जाएगा Was it cowardice? The poet is questioning to himself. क्या ये मेरी बुजदिली है That I dared not kill him. कि मैंने उसको मारने की कोशिश ही नहीं की Was it perversity? क्या ये मेरी perversity है बेराह रवि है PERVERSITY ठीक है ना perversity
to follow a wrong direction, जिसको उर्दू में बोलते हैं ना बे राह रवि, यानी गलत रास्ते पे चल पड़ना, यानी असल चीज़ से हट जाना। क्या ये मेरी परवर्सिटी है, मेरी बेराह रवि है, डेट आई लॉन्ग्ड टू। लॉन्ग टू का मतलब स्टूडेंट होता है ख्वाहिश करना। डिज़ायर्ड टू टॉक, कि मैंने सांप से बात करने की ख्वाहिश की थी। वॉज इट ह्यूमिलिटी, और क्या ये मेरी हम्बलनेस है, मेरी आजजी है। टू फील सो ऑनर्ड, कि एक सांप के आने पे मैं इतना खुश हो गया था। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, और हकीकत तो ये है कि मैं खुश हो गया था। मैंने अपनी इज्जत अफजाई समझी कि एक सांप ने मेरे घर का इंतखाब किया है, मेरे वाटर ट्रफ के ऊपर आया है और वो पानी पीने के लिए आया है। And yet those voices, if you were not afraid, you would kill him. उन्हीं आवाज़ों में से कहीं से एक आवाज़ ये भी आ रही थी, Mr. Poet, if you are not fearful of this snake, you must kill it. अगर आप इससे डरने वाले नहीं हो, यानी उसकी जो voices of education हैं वो उसको provoke कर रही हैं, अगर आप इससे डरते नहीं हो सांप से, तो इसको मार दो। And truly I was afraid. शायर ये भी कन्फेस कर रहा है कि मैं डर भी गया था, क्योंकि उसकी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है, जो छठी हिस्स है, वो उसको अलर्ट कर रही है। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, और मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। बट इवन सो ऑनर्ड, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मतलब जितना मैं डरा था उससे ज़्यादा मैं इज़्ज़त अफजाई भी महसूस कर रहा था। तो ये उसकी जो मिक्स्ड फीलिंग है ना, यानी वो इज़्ज़त भी महसूस कर रहा है, ऑनर भी महसूस कर रहा है, और खौफ ज़्यादा भी है। तो जो उसकी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको मतलब ये है कि द पोएट हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी वो तजादात का शिकार हो गया है। But even so honored, still more that he should seek my hospitality, कि सांप ने मेरी मेहमान नवाजी जो है उसको तलाश किया है, hospitality मेहमान नवाजी। From out the dark door of the secret earth, और ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से चुपके से मेरे घर की तरफ आया है। He drank enough, उसने काफ़ी पानी पी लिया। And lifted his head, और अपना सर जो है वो उठाया, ड्रीमीली, इन अ ड्रीम मोशन, जैसे एक बंदा ख्वाब में करता है। एज़ वन हु हैज़ ड्रंकन, और ऐसे जैसे किसी ने नशा किया हो, कोई नशे से चूर हो। एंड फ्लिकर्ड का मैंने पहले मीनिंग लिखवा दिया है, टू मूव इनवर्ड एंड आउटवर्ड, हेयर एंड देर, इन अ वेरी फास्ट मोशन। एंड फ्लिकर्ड इज टंग लाइक अ फोक नाइट ऑन द एयर, और अपनी काली दो शाखा जबान को उसने तेज़ी से इधर उधर मूव किया, सो ब्लैक, सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी पीने के बाद अपने होंठों को लिक कर रहा हो। एंड लुकड अराउंड लाइक अ गॉड, और सांप ने इधर उधर देखा, जस्ट लाइक अ गॉड, जैसे कि एक गॉड देखता है, एक देवता देखता है। Unseeing into the air, यानी किसी के ऊपर निगाह करम नहीं कर रहा था। Unseeing, यानी उसने जो हवा है, जो फिज़ा है, स्पेस है, उसमें घूरना शुरू कर दिया। And slowly turned his head, और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर जो है वो मोड़ा। And slowly, very slowly, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, as if thrice in a dream, इतना आहिस्ता कि जैसे ख्वाब में एक बंदा एक काम को तीन दफ़ा कर रहा हो। थ्राइस का मतलब होता है थ्री टाइम्स। प्रोसीडेड टू ड्रा, और वो आगे बढ़ा। टू ड्रा ही स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, यानी जो वो कुंडली मारी हुई थी उसने, जो कर्व किया हुआ था, जो अपनी अपनी बॉडी को उसने खम दे के वो बैठा हुआ था, तो उसने अपना जो है आगे बढ़ना शुरू किया, और वो जो कर्विंग लेंथ है उसको उसने खोलना शुरू कर दिया। एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक, बैंक का मतलब भी किनारा है। माई वॉल फेस, और मेरी दीवार के, मेरे सामने वाली जो दीवार है जहाँ से वो नीचे आया था, जहाँ से वो निकला था, उसकी तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। एंड एज ही पुट हीज़ हेड इन टू डैट ड्रेडफुल होल, और जो ही उसने उस खौफनाक, ड्रेडफुल, हॉरिबल, यानी कि खौफनाक,
جو ہی اس نے اس خوفناک سوراخ کے اندر جو ہے وہ اپنا سر رکھا اینڈ ایز ہی سلولی ڈریو اپ اور جو ہی وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا سنیک ایزنگ شولڈر سنیک ایزنگ ہز شولڈر یعنی اپنے جو شولڈر ہے اس کو ایزی وے سے آگے کی طرف لے جا رہا تھا اینڈ اینٹرڈ فاردر اور اس بل کے اندر اس ہول کے اندر گھستا جا رہا تھا اسارٹ آف ہارر اسارٹ آف پروٹیسٹ یعنی خوف اور غم غصے کی جو کیفیت ہے اگینسٹ ہز وتھ ڈرائنگ کہ یہ کیوں واپس جا رہا ہے انٹو ڈیٹ ہارڈ بلیک ہول اس خوفناک سیاہ تاریک ہول کے اندر کیوں جا رہا ہے تو میرے اندر خوف بھی تھا اور غم و غصہ بھی پیدا ہو گیا ڈیلیبریٹلی ڈیلیبریٹلی کا مطلب ہے سلولی ڈی ایل آئی بی ای آر اے ٹی ای ایل وائی ڈیلیبریٹلی سلولی اور یہ سانپ جو ہے یہ آہستہ آہستہ گوئنگ ان ٹو دا بلیکنیس اس سے سیاہ دنیا میں جا رہا تھا اینڈ سلولی ڈرائنگ ہم سیلف آفٹر اور آہستہ آہستہ اپنی جو باڈی ہے اس کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ ڈرا کر رہا تھا اوور کیم می میرے اندر غم و غصہ جو ہے یہ جو فیلنگ ہے یہ میرے اندر غالب آ گئی انہوں نے مجھے اوور کم کر لیا ناؤ ہز بیک واز ٹرنڈ اب اس کی صرف جو بیک ہے جو دم کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ رہ گیا تھا باہر آئی لکڈ اراؤنڈ میں نے ادھر دیکھا آئی پٹ ڈاؤن مائی پیچر اور میں نے اپنا جو واٹر پاٹ ہے اس کو نیچے رکھا پکڈ اپ اے کلمزی لاگ اور میں نے ایک ال لکنگ پیس آف اسٹک کلمزی اس کا میں ادھر لکھ دیتا ہوں کلمزی کا مطلب ہوتا ہے بیڈ لکنگ یعنی بھدا جس کو ہم اردو میں جو ہے وہ بھدا کہتے ہیں سی ایل ایس وائی کلمزی اس کا مطلب ہے ال لکنگ ال لکنگ کہہ لیں یا بیڈ لکنگ کہہ لیں ٹھیک ہے اور جو لاگ ہے آ پیس آف ووڈ اور میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بھدا جو کلمزی لاگ ہے اس کو میں نے اٹھایا کلمزی لاگ اس کو میں نے اٹھا لیا اینڈ تھرو اٹ ایٹ دا واٹر ٹرف وتھ دا کلیٹر اور میں نے اس کو سانپ کی طرف مارا یعنی سانپ کو مارا تو وہ جو پیس آف لاگ ہے وہ جو لکڑی ہے وہ سانپ کو تو نہیں لگی لیکن وہ کلیٹرنگ ساؤنڈ کے ساتھ واٹر ٹرف کے اوپر یعنی کھن کھناہٹ کے ساتھ اس پانی والے حوض کے اوپر گری آئی تھنک اٹ ڈڈ ناٹ ہٹ ہم اور میں نے خیال کیا کہ اس نے سانپ کو چھوا نہیں ہے بٹ سڈنلی دیٹ پارٹ آف ہم دیٹ واز لیفٹ بیہائنڈ لیکن اچانک جو ابھی اس کا تھوڑا سا حصہ اس ہول سے باہر تھا کنولسڈ کنولسڈ کا مطلب ہے ٹریمبلڈ وہ کپ کپایا ان انڈگنیفائڈ ہیسٹ یعنی غیر شہانہ انداز سے بڑی تیزی سے یعنی غیر شہانہ انداز سے ناٹ ان اے اسٹیٹلی مینر وہ کپ کپایا ریڈ لائک لائٹننگ اور اس نے بجلی کی سی تیزی دکھائی اینڈ واز گون ان ٹو دا بلیک ہول اور وہ اس واپس اپنے جو سیاہ ہول ہے اس کے اندر چلا گیا دا ارتھ لپڈ فشر وہ جو مٹی کی بنی ہوئی دیوار کی دراڑ وہ دراڑ جو لپڈ تھی مطلب یہ ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انسانی ہونٹ ہوں ان کے اندر جو سوراخ تھا اس کے اندر چلا گیا ان فرنٹ ایٹ وچ ان دا انٹینس اسٹل نون گرمی بہت زیادہ تھی دوپہر کا وقت تھا آئی اسٹیڈ ود فیسنیشن اور میں حیرت سے میں محصور ہو کر اس کو دیکھتا رہا اینڈ امیڈیٹلی اور فوری آئی ریگریٹڈ اٹ ریگریٹ اسٹوڈنٹ ریگریٹ آر ای جی آر ای ٹی ریگریٹ لیکن یہاں پہ یہ پاسٹ فارم ہے ریگریٹڈ یعنی ریمورسڈ کیا آر ای ایم او آر ایس ای ڈی ریمورسڈ یعنی کہ پچھتایا
felt repent. I regretted it. मैंने पछताना शुरू कर दिया. I thought how paltry. और मैंने सोचा कि कितना कमीनापन. पाल्ट्री का मतलब क्या है? PALTRY, पाल्ट्री, यानी अ मीन एक्ट. अच्छा स्टूडेंट, ये शायर ने जब उसको मारा और वो चला गया, तो अब ये पछता रहा है और अपने जो वॉइसेस ऑफ एजुकेशन उनको कर्स कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है. वल्गर, हाउ वल्गर, कितना बेहुदा. व्हाट अ मीन एक्ट, और कितना घटिया काम मैंने किया था. आई डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब है नफरत करना. DESPISED, डिस्पाइज्ड मतलब इसका मतलब है हेटेड. मैंने नफरत शुरू कर दी. I despised myself, अपने आप से, and the voices of my accursed human education, और इंसानी जो इलम की जो मलून, यानी जो ऐसा इलम जो नेगेटिविटी पे उकसाता हो, उसको मैंने जो है वो कर्स करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया. And I thought of the albatross, और मैंने albatross के बारे में सोचा. ALBATROSS, ठीक है ना, आ सी बर्ड. स्टूडेंट, एल्बाट्रोस का सैमुअल टेलर कॉलेज, एसटी कॉलेज ने अपनी पोएम जो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसके अंदर इसका जिक्र किया है. और मलाह जो है वो एल्बाट्रोस को अ बर्ड ऑफ लकनेस, अ लकी बर्ड कंसीडर करते हैं. और मैंने फौरी एल्बाट्रोस के बारे में सोचा. एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैंने कहा कि मेरा एल्बाट्रोस वापस आ जाए. और मेरा एल्बाट्रोस कौन था? वो कोई और नहीं था, वो सांप था. ये सांप जो है ये मेरे लिए एक लकी साइन था, लेकिन किस्मत ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी और मैंने खुद ही उसको भगा दिया. फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, और मुझे दोबारा ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई बादशाह हो. लाइक अ किंग इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब है जलावतन, EXILE, यानी जिसको कहते हैं ना बैनिश, ठीक है, जलावतन, यानी ऐसा किंग जिसको एग्जाइल कर दिया गया था, बैनिश कर दिया गया था, बैनिश्ड आउट ऑफ द कंट्री, उसको मुल्क से निकाल दिया गया था, मुल्क बदर कर दिया गया था. अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और ज़मीन के नीचे की जो दुनिया है उसमें, जिस दुनिया में वह रहता था, उस बादशाह का ताज जो है उसको अनक्राउन किया था, यानी वो उतार लिया गया था. नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और अब उसको वापस बुला लिया गया हो कि आओ हम तुम्हें बादशाह मानते हैं और तुम्हारी जो क्रोनिंग है वो दोबारा करते हैं, तुम्हें ताज पहनाते हैं. एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, मैंने ज़िंदगी की खुशकिस्मतियों में से एक के साथ अपना जो मौका है वो ख़त्म कर दिया. एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट अ पैटीनेस, और मेरे पास कुछ था जिसकी मुझे तलाफ़ी करनी थी, इस घटिया एक्ट की तलाफ़ी करनी थी. तो उम्मीद है कि आपको ये नज़म जो है ये पसंद आई होगी. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.